दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले नेताओं और कार्यकर्ताओं का दल बदलना शुरू हो गया है। दर्जनों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। गाजीपुर पेपर मार्केट स्थित बीजेपी जिला मयूर विहार कार्यालय में जिला अध्यक्ष विनोद बछेती ने पटका पहनाकर सभी का पार्टी में स्वागत किया। बीजेपी में शामिल होने वालों में कई मुस्लिम समाज के लोग भी थे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वालों में मुख्य रूप से समाजसेवी गौरव शर्मा हैं, जिन्होंने 20 लोगों की टीम के साथ बीजेपी ज्वाइन की। इसके अलावा ओखला विधानसभा क्षेत्र के इनाम खान और बाबू खान हैं, जो दर्जनों मुस्लिम समाज के लोगों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। इस मौके पर विनोद बछेती ने कहा कि बीजेपी मयूर विहार जिला अंतर्गत आने वाले सभी विधानसभा क्षेत्र से दर्जनों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। विनोद बछेती ने कहा कि आज सभी लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। आज मुस्लिम समाज के लोग भी भाजपा पर विश्वास करते हुए बड़ी संख्या में बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। मयूर विहार जिले में पांचों विधानसभा से हमारे बहुत सारे मित्र साथियों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। इसमें अपने सभी साथी पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के भी थे और उन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की कार्यप्रणाली को देख के आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। चाहे नगर निगम हो, चाहे देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, लोगों को लगता है कि भाई देश जो आगे बढ़ सकता है वो मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ सकता है, और उस तहत उन चीज़ों को ध्यान में रखकर लोगों ने कांग्रेस को छोड़कर आज भाजपा ज्वाइन की है, आम आदमी पार्टी को छोड़कर आज भाजपा ज्वाइन की। देखिए, हमारे जो मुस्लिम बंधु है उनको भी लगता है कि आज जिस तरह से हमारा देश भारत पूरे विश्व में बहुत मतलब अधिक भारत का जो मोदी जी के नेतृत्व में एक पहचान बन रही है, उनको लगता है कि हमारा देश भारत का नाम जो है अन्य जो विकासशील देश है उसमें हमारा नाम आना चाहिए। और यहाँ पे केवल धर्म जात नहीं है, यहाँ पे सब एकजुट होकर देश को आगे बढ़ाने में सब लोग लग रहे हैं।